इस वीडियो में दिखाया जाने वाला फोन मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया है, जो कि एक डमी फोन है। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ये फोन कैसा दिखने वाला है, इस जानकारी के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला Asus Zenfone 7 के डमी की। ये जो फोन है इंडिया में Asus 7Z के नाम से लॉन्च होने वाला है, इसी की आज अपन अनबॉक्सिंग करने वाला है और आपको सारी एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस और लॉन्च डेट वगैरह मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप डब्बे को ओपन करोगे, सबसे पहले आपको लीड देखने के लिए मिल जाएगा। लीड के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन और एक TPU केस देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पास आपको एक टाइप सी डेटा केबल देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद एक 30 वॉट का फास्ट चार्जर डब्बे के अंदर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको मेन फोन देखने के लिए मिल जाएगा और फोन की डिस्प्ले जो है यहाँ पे आपको IPS LCD मिलने वाली है और ये जो रहने वाली है 60 हर्ट्ज पे रहने वाली है, फुल व्यू डिस्प्ले रहने वाली है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और भाई डिस्प्ले ठीक ठाक सी रहने वाली है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले तो Zen UI आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा और विथ एंड्रॉयड 10 ये जो है फोन आने वाला है। तो भाई फ़ोन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, फ़ोन मेरे को भी अच्छा लगा है और भाई इसकी फुल व्यू डिस्प्ले रहने वाली, खासकर यार जो इसका कैमरा रहने वाला है ना वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फ्रंट एंड बैक दोनों सेम कैमरा यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको और डिटेल्स बता देता हूँ इस फ़ोन के बारे में। आपको डिस्प्ले के बारे में मैंने बता दी, 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED नहीं मिल रहा इस बार, IPS दिया जा रहा है, यही दिक्कत मेरे को लगा इस फ़ोन में। बाकी सब कुछ इस फ़ोन में बढ़िया है, AMOLED दे देना था बाय द वे, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आपको इसके कैमरा के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पास आपको जो है 64+13+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा दिया जाएगा। ये जो सेम कैमरा फ्रंट के लिए भी यूज़ किया जाएगा, इससे क्या होगा कि फ्रंट कैमरा के लिए भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ जाएगी, जैसे कि मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। फ्रंट कैमरा के लिए खासकर अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा फ़ोन ये रहने वाला है। प्रोसेसर की बात रही तो स्नैपड्रैगन 865 के साथ ये फ़ोन आने वाला है और आउट ऑफ जो कंट्री रहेगी इंडिया के बाहर, लाइक ताइवान में ये 26 तारीख को लॉन्च हो रहा है, तो वहाँ पर 5G सपोर्ट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो है इंडिया में आपको 4G सपोर्ट इसमें रहने वाला है। हो सकता है इंडिया में 10% चांसेस है कि भाई 5G के साथ इसको लॉन्च कर दे। स्नैपड्रैगन 865 आपको मिलने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया है। और अब बैटरी की बात रही तो 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी। प्राइसिंग की बात रही तो 30,000 से 32,000 के बीच में का बताओ। होगा आपको वीडियो अच्छी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, होप लाइक द रूट, बाय बाय।